तो वहीं कोटद्वार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोटद्वार पुलिस ने कोडिया ट्रैक पोस्ट पर 3 कट्टे मावा पकड़ा है। पुलिस ने ये कट्टे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस से पकड़े हैं। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया है कि मावे के कट्टे कोटद्वार की स्वीट शॉप के लिए बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि ये मावे के कट्टे आपको बता दें कि इनकी पुख्ता बिल न देने पाने के कारण पुलिस ने अपने कब्जे में इनको लिया। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि दीपावली नजदीक होने के कारण मिलावट खोज सक्रिय हो जाते हैं, जिसके चलते नजर लगातार चेकिंग अभियान पर बनी हुई है और वहीं पकड़े गए मावे को जब्त कर लिया गया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी जो सूचना मिली है कि फूड डिपार्टमेंट ने 3 कट्टे मावे पकड़े हैं पुलिस के सहयोग से, तो उस मावे को उन्होंने सैंपल ले लिया है और मावा की क्वालिटी चेक करवाई जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बलविंदर। बलविंदर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दीवारों का सीजन शुरू हो गया है जी। और जो मिलावट हो रहे हैं ये भी सक्रिय हो गए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 कट्टे मावा पकड़ा है जिसका वजन लगभग 1 क्विंटल आंका जा रहा है। और पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि जब उससे बिल वगैरह मांगे गए तो कुछ नहीं दे पाया, जिसके सब के आधार पर पुलिस ने जो है इन कट्टों को जब्त कर लिया है। वहीं फूड इंस्पेक्टर ने जो है इसका सैंपल भर लिया है और जो उप जिलाधिकारी है उनका सीधे तौर पर कहना है कि लगातार अब चेकिंग अभियान चलेंगे क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। जी बलविंदर, क्या जांच में पता चला है कि मावा नकली है या असली? जी, मैं आपको बता दूं उनके सैंपल भर लिए गए हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और आजकल में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये मावा असली है या नकली है। जी बलविंदर, क्या कुछ कहना है पुलिस का कि आखिर क्यों इन लोगों पर उनको शक हुआ और कैसे ये लोग पकड़े गए? जी, मैं आपको बता दूं कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये चेकिंग करके ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में ये मावा आ रहा था 3 कट्टे और इसको जो है पुलिस ने पकड़ा है। जिन लोगों से कट्टे बरामद किए हैं मावे के, उन लोगों से बातचीत की पुलिस ने, क्या कुछ जांच में अभी सामने आया है, क्या कुछ कहना है उन लोगों का? जी, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण पुलिस ने इन कट्टों को जब्त कर लिया है। जी, और पुलिस का कहना है कि सैंपलिंग हो गई है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलविंदर तमाम जानकारी के लिए। तो फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में प्रदेश में नकली मावे का घुरक धंधा जो है वो अब शुरू होने लगा है। आप देख सकते हैं कि 3 कट्टे मावे के बरामद किए गए हैं, अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर ये जो मावा पकड़ा गया है वो नकली है या असली।